अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के ट्रेलर के रिलीज होते ही इसे लेकर फैंस में जबरदस्त बज बना हुआ है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म के ट्रेलर में अक्षय कुमार अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। फैंस ने भी दिया अपना रिएक्शन। डायरेक्टर नाग अश्विन की फिल्म में प्रभास और दीपिका पादुकोण के साथ अब महानायक अमिताभ बच्चन भी नजर आने वाले हैं। जी हाँ, इस अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट में अब देखने मिलेगा 3 गुना ज्यादा एंटरटेनमेंट। बिग बी ने भी इस बारे में किया है एक पोस्ट शेयर। करीब 4 महीने बाद अब रणवीर सिंह ने ट्वीट किया है। इससे पहले उन्होंने 14 जून को पोस्ट किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का #UniteToFightCorona इनिशिएटिव शेयर किया है, लेकिन इस पोस्ट के लिए भी रणवीर बने ट्रोलर्स का शिकार। लगातार अपने भाई के लिए न्याय की मांग कर रही सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया चक्रवर्ती की रिहाई के बाद एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट के जरिए श्वेता ने न्याय के प्रति अपना विश्वास जाहिर करते हुए धैर्य और साहस की बात की है। Amazon Prime Video ने कई सारी फिल्मों की रिलीज की तारीखों का ऐलान फिल्मों के नाम के साथ ही कर दिया है। कुली नंबर 1 को साल के अंत में क्रिसमस यानी 25 दिसंबर 2020 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। साथ ही भूमि पेडनेकर की फिल्म दुर्गावती और राजकुमार राव स्टारर और हंसल मेहता निर्देशक फिल्म छलांग की रिलीज डेट सामने आ गई है। इनके साथ और भी कई फिल्म्स के पोस्टर्स हुए हैं आउट। लक्ष्मी बॉम्ब का लेटेस्ट पोस्टर हुआ आउट, जिसमें कियारा आडवाणी संग अक्षय कुमार दिखे एक स्टाइलिश अंदाज में। लेकिन ये पोस्टर के आउट होते ही फैंस ने किया अक्षय को ट्रोल। डालिए उन ट्रोल्स पर एक नजर। फिल्म डायरेक्टर करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा के 40 साल पूरे हो गए हैं। इसी तारीख को करण जौहर के पिता यश जौहर ने बॉलीवुड को धर्मा प्रोडक्शन दिया था। अब करण जौहर ने इस मौके पर सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट लिखा है। डालिए एक नजर। कंगना रनौत ने हाल ही में अपने भाई अक्षत को बर्थडे विश करते हुए बचपन का एक ऐसा किस्सा साझा किया है, जिसे सुनकर आप कहेंगे कि ये तो हर हिंदुस्तानी घर की कहानी है। डालिए कंगना के उस पोस्ट पर एक नजर। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त गणेश की जान खतरे में है। गणेश के मुताबिक उन्हें मिल रही है धमकियां। गणेश ने हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी समर्थन इकट्ठा किया था। हालांकि उन्होंने अब दावा किया है कि केंद्रीय मंत्रालय से एक लड़की ने उन्हें बताया है कि उनका जीवन खतरे में है। एक्टर विकी कौशल फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा में योद्धा अश्वत्थामा का किरदार निभाएंगे। खबरें हैं कि फिल्म में अश्वत्थामा के इस किरदार को निभाने के लिए विकी कौशल को अपना वजन बढ़ाकर 100 किलोग्राम से भी ज्यादा करना होगा। इसके लिए विकी वर्कआउट और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने वाले हैं।